साइड की जो ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे हैंडल तार बोलते हैं, इसे ब्रेक पाइप बोलते हैं, और इसे एल बोलते हैं, और इसमें जो बोल्ट लगा हुआ इसे एल बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ज़्यादा करके ध्यान देना है पीछे वाला ब्रेक टाइट करने समय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, मैं राजू जी। आज हम बताने वाले हैं एटलस 22 इंची का जो साइकिल होता है उसका अगर ब्रेक लूज़ हो जाता है तो आप अपने से किस तरह से अपने घर में टाइट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे वीडियो में बताया हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ और अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। दोस्तों आप लोग लाइक करते नहीं हैं, चल जाते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये देखिए हमारा फ्रंट ब्रेक हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा लूज बता रहा है, इतना पर ये कर रहे तब जाकर के हमारा ब्रेक जो है लग रहा है, ठीक है। देखिए है ना इस तरह से, तो हमें इसको कहता टाइट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए हमारा ब्रेक हो गया रियर साइड, ठीक है। रियर साइड का भी देखिए हमारा ब्रेक लूज है, तो मैं दोनों ही को आपको बताने वाला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आपको फ्रंट साइड वाली, ठीक है। मैं फ्रंट साइड वाली पहले बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक तोता प्लेयर ले लेना है, ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में आप लोग को मिल जाएगा। और एक आपको क्रॉस रिंच ले लेना, 10 नंबर, 11 नंबर और आपका 12 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, प्लास लेकर के ये जो ब्रेक क्लिप होता है, ठीक है, इसमें रिक्शा का ब्रेक क्लिप लगा हुआ है, तो नॉर्मल आप लोग का रहेगा, नॉर्मल साइकिल का जो रहता है, तो इसको आपको क्या करना है ऊपर करना है इस तरह से ठोक करके, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ जो है ब्रेक शू के पास में देखिए गैपिंग है, ठीक है, इसको हम ऊपर करेंगे तो सड़ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा जो है ब्रेक शू एकदम जो है रिम में सट गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग को पहले कर लेना है, एक साइड का पहले ठोक ले, पहले आप लोग एक साइड का इस तरह से ठोक ले, ठीक है। देखिए रिम पूरा सट गया, उसके बाद क्या करना है, ये बोल्ट पर आ जाना है आप लोग को, ये आपको जो है क्रॉस रिंच ले करके ये जो है बोल्ट आपको ढीला कर लेना, ठीक है, नट इसका, ये बोल्ट का जो नट है ड्रॉ बोल्ट इसे बोलते हैं, इसे आपको जो है ढीला कर लेना इस तरह से। देखिए ढीला करने के बाद क्या है कि ये जो वायर है, ठीक है, हैंडल का जो वायर है ये वाला, ये आपका अंदर चला गया, ठीक है, वो ढीला करते के साथ में, तो इसको आपको जो है अगर अंदर नहीं गया तो इसको फिर से अंदर कर ले, इस तरह से प्लास ले ले। प्लास लेने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर पकड़े और इस तरह घुमा घुमा के आपको नीचे कर लेना, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाना ब्रेक शू के पास में, और ये जो कल तक क्लिप जो देख रहे हैं इसको हल्का से नीचे करना, हल्का सा गैप रखना ब्रेक शू को आपको, ठीक है। देखिए हमने हल्का सा गैपिंग कर ली जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्रेक बोल्ट है इसको आपको टाइट कर देना है, ये हमारा टाइट हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर नीचे कर देना, ठीक है। देखिए हमारा इतना गैपिंग आप लोग को रखना है, उसके बाद आप लोग को हैंडल का पास चलाना है। ये देखिए हमारा ब्रेक हार्ड हो चुका है, ठीक है, एकदम काम कर रहा सही से, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, साइकिल को उठा करके देख लेना, ठीक है, चक्का एकदम पूरा फ्री घूम रहा है या नहीं, इस तरह का आप लोग को हैंड ये फ्रेम को इस तरह पकड़ लेना है और चक्का घुमा के देखना। देखिए हमारा चक्का एकदम पूरा फ्री है, जाम बता रहा है हल्का सा, तो हल्का सा हम लूज कर देंगे। सो दोस्तों इसको हल्का सा ढीला करने के बाद, इसको हल्का सा ढीला करने के बाद इसको आपको टाइट कर देना है, ठीक है। ये हमारा टाइट हो गया है, अब देखिए हम आपको चक्का घुमा के दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा चक्का देखिए एकदम पूरा फ्री घूम रहा है, अब ब्रेक भी एकदम सही काम कर रहा है, देखिए है ना, हमारा ब्रेक टाइट हो गया एकदम पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देखो, देखिए हमारा एकदम इतना पर ब्रेक लग जा रहा है, पहले यहाँ तक सड़ जाता था और अभी देखिए थोड़े से में लग जा रहा है, ठीक है। ये हमारा ब्रेक हार्ड हो चुका है, ये हो गया आपको फ्रंट साइड वाली। अब हम बताते हैं बैक साइड वाली, रियर साइड की ब्रेक कैसे टाइट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को देखना है रियर साइड की जो ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे हैंडल तार बोलते हैं, इसे ब्रेक पाइप बोलते हैं, और इसे एल बोलते हैं, और इसमें जो बोल्ट लगा हुआ इसे एल बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ज़्यादा करके ध्यान देना पीछे वाला ब्रेक टाइट करने समय। इसको क्या ध्यान देना आपको, देखिए हमारा जो ये साइकिल का है, ठीक है, इसका सेटिंग देखिए एकदम सही है, किस हिसाब से है, ये जो एल गया हुआ है इस हिसाब से देखिए फ्रेम से हल्का सा गैपिंग में है, ठीक है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जूम करके, देखिए हल्का सा गैपिंग में है ना, तो इस तरीका से अगर आपका एल है, ठीक है, सेटिंग किया हुआ तो ठीक है, और अगर ज़्यादा गैपिंग अगर रहता है इस तरह का तो आप लोग को जो है ये नट को लूज़ करके हल्का सा जो नीचे कर लेना और इतना गैपिंग आप लोग को छोड़ देना जितना इसमें आपको बता रहा है, देखिए ठीक है, इसमें दिख रहा है इतना आपको गैपिंग रखना। उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है, ये देखिए ये आपको ब्रेक गुच्छा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ब्रेक गुच्छा के पास आपको आ जाना है और ये नट है 5 नट बोल्ट से बोलते हैं, ठीक है,
एक देखिए आपके ये छोटा नट है, ठीक है, छोटा नट को आपको जो है लूज कर लेना इस तरह से। देखिए हमने छोटे वाले नट को लूज कर लिए, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब क्या करना है, ये बड़े वाली जो नट है ब्रेक गुच्छा साइड में, ठीक है, अंदर साइड में इसको आपको टाइट करना है, ठीक है। ये भी आपको जाम रहता है, इसे आपको प्लास से पकड़ के इस तरह से आपको टाइट करना है, ठीक है, इस तरह से आपको टाइट करना है। उसके बाद अगर फ्री हो जाता है फिर आप हाथ से इस तरह से घुमा घुमा के टाइट कर लें। ये हमारा देखिए टाइट हो चुका है इतना, और थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं। देखिए आप जो बोल्ट पूरा हमने टाइट कर दिया, पूरा नट पर इधर में सट गया, ये दोनों सट गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, छोटा वाला जो नट है उसको आपको टाइट कर देना, ठीक है, टाइट कर दिया, ये हो गया हमारा काम। यहाँ पर ब्रेक का जो गैपिंग था वो भी कम हो चुका है, ठीक है। और हम हैंडल के पास आ जाते हैं, देखिए हैंडल के पास आ गए तो देखिए हमारा ब्रेक पहले यहाँ तक लगता था, ठीक है, और अब हमारा ब्रेक इतने पर काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा पीछे का ब्रेक जो है टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है। उसके बाद क्या करना, पीछे का जो पहिया होता है उसे आपको घुमा के देख लेना चक्का, ठीक है। ये देखिए हमारा चक्का एकदम पूरा फ्री घूम रहा है, ठीक है, ब्रेक भी एकदम सॉलिड काम कर रहा है। इस तरह से आप अपना साइकिल का ब्रेक जो है टाइट कर सकते हैं, 22 इंची कोई भी साइकिल हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से नीचे एक कमेंट कर दे प्यारा सा, और चैनल में अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और एक लाइक करना तो बनता ही है, एक प्यारा सा लाइक कर दे, और अदर दोस्तों को भी शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो है। जय दोस्तों, इसी तरह के मैं वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।